सोनू निगम, अभी मैंने आपका एक ट्वीट देखा जिसमें आपने कहा कि मस्जिद की आवाज़ से आपकी नींद प्रॉब्लम होती है। तो ये बात मैं एज ए मुस्लिम नहीं कह रहा हूँ, एज ए कलाकार, मतलब आप बड़े गायक हैं, मैं छोटा गायक हूँ, तो एक कलाकार की सोच तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि हम जिस भारत में रहते हैं, मैंने बचपन से मैंने मंदिर की घंटियाँ सुनी है, मुझे मेरी नींद कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, और मेरे पड़ोस में बिल्कुल हिंदू परिवार रहता है, वहाँ जागरण होते हैं, वहाँ कीर्तन होते हैं, तो मुझे उससे कभी इवन ऐसा हुआ है कि मैं कई कई दिन का जगा होता हूँ शो करके परफॉर्मेंस करने के बाद, लेकिन मुझे कभी उससे फील नहीं हुई कि मुझे ये जो जागरण हो रहा है इससे मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो ये दर्शाता है आपकी मेंटेलिटी। मुझे लगता है कि शायद आप फ्रस्ट्रेट हुए हैं थोड़ा सा, क्योंकि आजकल आप फ्री हैं, आपके पास काम तो है नहीं, तो लेकिन एज अ कलाकार मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट को कहीं ना लाइमलाइट पर रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर देना चाहिए। तो आपने जो किया, ये सोच एक आर्टिस्ट की तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, वो भी वो आर्टिस्ट जो कि रफ़ी साहब का चाहने वाला हो, जिसका नाम और काम रफ़ी साहब की वजह से बना हो, तो वो सोच तो नहीं है मेरे ख्याल से आपकी। मेरे ख्याल से ये फ्रस्ट्रेशन है इसका कि क्योंकि आज कल आप खाली हैं, आपके पास काम नहीं है, तो आप खाली जो घर हो, दिमाग वो शैतान का दिमाग होता है, तो ये आपके दिमाग की सिर्फ गलत और ख़राब सोच है। वी आर इंडियन, तो हमें ना सब धर्मों की, हर मज़हब की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो मंदिर की घंटी हो, चाहे वो मस्जिद की आवाज़ हो, चाहे वो गुरुद्वारे की गुरबाणी हो या फिर चर्च की घंटा हो, ये ना वी रिस्पेक्ट ऑल। तो ये ट्वीट एक एज ए कलाकार मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई। हाँ, ऑडियंस को पता नहीं क्या समझा होगा, लेकिन मुझे समझ में आया, क्योंकि आजकल आप बिल्कुल खाली हैं, आपके पास काम है ही नहीं, अब आपने चाहे काम बंद कर दिया या आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से एक कलाकार की सोच बता रहा हूँ आपको मैं, कि जब आपको लगता है कि यार वो मैं तो कहीं दिख नहीं रहा हूँ, तो शायद आपने ये जो कहा है ट्वीट किया, मेरे ख्याल से आपने इसलिए कहा है कि कुछ टाइम के लिए आप लाइम लाइट में आ जाएंगे, थोड़ा चीप चैनल पे आ जाएंगे, क्योंकि वैसे तो आजकल आप खाली हैं, काम तो है नहीं आपके पास, तो लेकिन ये लाइम लाइट में आने का ये तरीका बिल्कुल गलत है सोनू जी। थोड़ा सा मैं आपको गाना मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं गाना आपकी तरह नहीं गाता, ना ही मैं आपका कोई गाना गाता हूँ, मैं रफ़ी साहब को फॉलो करता हूँ, किशोर दा को फॉलो करता हूँ, लेकिन आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे सिंगर हैं, तो इस नाते इज्जत करता हूँ केवल, और बाकी यह है कि ये कलाकार की सोच तो बिल्कुल नहीं है, 100% एक कलाकार की सोच ये नहीं हो सकती कि उसे मंदिर की घंटी से या मस्जिद की अजान से या गुरुद्वारे की गुरबाणी से प्रॉब्लम होती है। ये तो एक सिर्फ गंदी सोच है, ख़राब सोच है, बल्कि मैं तो अगर एज ए कलाकार मैं ये कहूँगा कि आपको ये नहीं बोलना था, लाइमलाइट में आने के और बहुत सारे तरीके हैं, आपने यही तरीका इस्तेमाल किया, कुछ देर के लिए आपने ट्वीट कर दिया, उस पर लोगों ने रिएक्शन किया, ये सिर्फ एक प्रोपगंडा था आपका कि आप लाइमलाइट में, बट दिस इज नॉट द राइट वे। थैंक यू। समा है सुहाना सुहाना, नम जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए, मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मुसाफिर हूँ यारो। ऑफ कोर्स जो पुराने गीत संगीत में कशिश है, वो आजकल के गीत संगीत में बिल्कुल नहीं है। मैं सुनाऊंगा आपको वही पुराने गीत ओरिजिनल अंदाज में। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, See something different, see something new.